गुड मॉर्निंग। तो देखो, हम लोग लास्ट लेक्चर में एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कर रहे थे, और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में जो हुआ था उसको जरा ध्यान से देखिए। हम लोग कर क्या रहे थे, अगर आपको पता हो तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के जो है थ्योरी समझाई थी और कुछ एग्जांपल भी दिए थे और दो ये होमवर्क दिया था। यहाँ देखो, क्वेश्चन में पूछ रखा हूँ कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ठीक ना किसके इक्वल सॉल्यूशन का होगा। ये सब इक्वल सॉल्यूशन ही 1% ना भी दिया हो तो ये मतलब फिक्स रहता है कि सब इक्वल सॉल्यूशन ही है, ठीक है ना। तो और ये क्वेश्चन ये दिया था किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व किया जाए, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। अगर आपका आंसर ए है तो सही बात है, इसमें शायद आंसर आपका बी है तो ये भी सही बात है, करके भी देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आपका मैच करेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मैच करा तो यहाँ देखो जरा ध्यान से। देखो, आपको डेल्टा टीपी की वैल्यू पता है, मतलब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पता है। अब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट अगर देखो तो क्या होता है, के बी है ना इंटू एम इंटू क्या होता है, वन हाफ फैक्टर, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, के बी जो होगा, ये सब सोल्यूशन देखो इक्वस ही है, ना भी दिया तो सबको हम लोग इक्वस मान लेते हैं। तो के बी को क्या कर देना है, देखो कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। के बी क्या हो गया तुम्हारा, कॉन्स्टेंट। के बी कॉन्स्टेंट हो गया तो हमें ये मिल गया कि डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड होगा, देखो एम और मोलैलिटी और वन हाफ फैक्टर का जो भी वैल्यू होगा इसी पे डिपेंड करेगा। अब देखना ध्यान से, मुझे डेल्टा टी बी थोड़ी ना पूछ रहा है, मुझसे क्या पूछ रखा है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकलेगा, देखो डेल्टा टी बी क्या होता है, टी बी और माइनस क्या होता है, याद करो टी नॉट बी या टी नॉट जो भी आप बोलो। तो ये देखो ध्यान से क्या था, ये था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। ये था तुम्हारा देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो भी तुम्हारा सॉल्वेंट है मान लो वाटर है उसके लिए फिक्स होता है, ये आपको अच्छे से पता है। इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, या प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर लगाऊं मैं तो ये देखो क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू क्या हो गया, वन हाफ फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन। आपसे देखो क्या पूछ रखा है, आपसे पूछ रखा है बॉइलिंग पॉइंट, आपसे क्या पूछ रखा है बॉइलिंग पॉइंट। तो मतलब अब देखो हमसे ये पूछ रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो अब देखो ये फैक्टर सारे सॉल्यूशन के लिए फिक्स हो जाएगा, सॉल्वेंट देखो फिक्स हो गया है, जो है सॉल्वेंट फिक्स हो गया, ये फैक्टर हमेशा फिक्स हो गया। तो मतलब सिंपल सा लिख सकता हूं मैं, आप देखो जरा ध्यान से कि जो बॉइलिंग पॉइंट का मैग्नीट्यूड है, जो बॉइलिंग पॉइंट का देखो ध्यान से जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी और वन हाफ फैक्टर के जो है मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक ना। एक बार और वीडियो रिवाइंड करके आप देख लेना। फिर अब देखो ध्यान से, इसमें मोलरिटी और वन हाफ फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अदरवाइज बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा कम। अब हम लोग एक एक ऑप्शन को सॉल्व कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है, 1% है ना इक्वस NaOH सॉल्यूशन, इक्वस ना भी दिया रहे तो इक्वस मान लिया करो, ठीक है ना, क्योंकि आसान रहता है सॉल्व करना अपने लिए। तो इक्वस NaOH सॉल्यूशन, अब तुम्हें अच्छे से पता है 1% इक्वस NaOH सॉल्यूशन, इसका मीनिंग क्या होता है याद करो, इसका मीनिंग ये होता है 1 ग्राम, याद करिए। अब ये 1% ये भी दे सकता है, वेट बाय वेट है, वेट बाय वॉल्यूम है, फिलहाल हम लोग सबको वेट बाय वेट मान के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो हम लोग, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 ग्राम तुम्हारा जो NaOH है, ठीक ना, 1 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन, ठीक ना, डिजॉल्व इन 100 ग्राम, ठीक ना, डिजॉल्व इन वाटर, ऐसे लिख लिया जाए डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है ना, टू फॉर्म बोलो टू फॉर्म 100 ग्राम सोल्यूशन, 100 ग्राम क्या बनाया गया ये सोल्यूशन। तो यहां से अगर हमें अब 1 ग्राम सोल्यूट हो गया ये, और सोल्यूशन का वेट कितना हो गया देखो 100 ग्राम, तो अगर हमें यहां से बताना है मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा देखो 99 ग्राम, भाई सोल्यूशन का मास क्या होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास, तो 99 मास किसका हो गया सॉल्वेंट का। तो अब देखो हमें इसकी मोलैलिटी पता चल सकती है, मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, है ना, मैं ऐसा लिख दूं एक बार फार्मूला भी ताकि और क्लियर हो जाए, मोल ऑफ सोल्यूट, और आपको यह पता है क्या होता है बोलो, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक ना, और सॉल्वेंट का मास देखो अगर ग्राम में है तो हम लोग क्या करते थे 1000 से मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ से सॉल्व कर लिया जाए तो m इक्वल टू देखो मोल फ्रैक्शन जो है क्या हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट, तो गिवन मास है 1 ग्राम NaOH का, और NaOH का मोलर मास कितना हो गया 40, मोल का फार्मूला तुम्हें पता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम,
ठीक है ना। तो सॉल्वेंट का मास कितना है देखो 99 ग्राम इंटू क्या हो गया देखो 1000, ठीक है ना। इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, ये देखो क्या हो गया 1000 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया देखो 40 इंटू कितना हो गया तुम्हारा 99। थोड़ा इसको सॉल्व कर दो, ये हो गया। अब इसको 400 कैंसिल हो गए, ये 4 है और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा देखो 25 हो जाएगा। बस समझ आ गई ना। तो मोलरिटी देखो ध्यान से, इसकी मोलरिटी कितनी आ गई, इसकी मोलरिटी आ गई तुम्हारी ठीक है ना कितना 25 डिवाइडेड बाई 99, ठीक है ना। तो अब देखो जरा ध्यान से, फर्स्ट ऑप्शन के लिए हम लोग डेल्टा टीवी निकाले जरा। तो डेल्टा टीवी मोलरिटी इंटू 1/2 फैक्टर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। तो मोलरिटी तुमने निकाली कितना 25/99 और 1/2 फैक्टर NaOH क्या कितना होता है फॉर NaOH। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस के केस में 1/2 फैक्टर किसके बराबर होता है जितने इतने आयन में डिसोसिएट हो जाता है। तो ये क्या हो गया Na+ और क्या हो जाएगा OH- डीकंपोज करके आपका NaOH। तो यानी 1/2 फैक्टर कितना हो गया 2। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लिया जाए तो डेल्टा टी भी देखो क्या हो गया, मोलरिटी कितनी आ गई तुम्हारी, मोलरिटी आ गई तुम्हारी 25/9 इनटू 1/2 फैक्टर कितना आ गया 2। यानी अगर देखो ध्यान से तो ये कितना आ गया तुम्हारा डेल्टा टी भी, ये हो गया तुम्हारा देखो 50/99, है ना। जैसे मैंने इसमें किया है ऐसे ही आप ऑप्शन बी में ऑप्शन सी में चेक कर लेना। जैसे यूरिया के लिए 1/2 फैक्टर आपको पता है 1 ही होता है, लिख दे रहा हूं मैं। Na3PO4 में देखो स्ट्रॉन्ग ही है ना, इसको स्ट्रॉन्ग सॉल्ट मतलब आपका जो सॉल्ट है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस ही है, इनऑर्गेनिक एसिड है और आपका NaOH है। इसके लिए 1/2 फैक्टर निकालोगे, इसके लिए 1/2 फैक्टर यहाँ निकाल दोगे देखो Na3 और क्या है PO4। जैसे इक्वल करोगे तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज और फॉस्फेट आयन यानी PO4 पे 3-, कितना सोडियम है तुम्हारे पास 3, सब रिएक्शन बैलेंस है। इसके लिए 1/2 फैक्टर कितना हो जाएगा 4, है ना। तो सबके लिए ऐसे ही आप सॉल्व कर लेना और आप देखेंगे तो शायद ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी के प्रॉब्लम को और आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम भी एग्जैक्ट ऐसा है तो मुझे नहीं लगता उसको बताने की जरूरत है, उसको भी आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। इसके अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे डिफ्रीजन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए अब हम लोग सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लास्ट पार्ट में है, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो फोर्थ वाली है, ठीक है ना। और उस फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है डिफ्रीजन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। फर्स्ट में मैंने जो पढ़ाया है ऑस्मोटिक प्रेशर, सेकंड में पढ़ाया रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, और थर्ड में पढ़ाया आपको एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, और फोर्थ में पढ़ेंगे हम लोग ठीक है ना डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। पहले इसका कॉन्सेप्ट देखो, है ना। तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में घूम रही होगी कि भाई ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट है क्या पहले इसका देखा जाए। जैसे वहां पे किया था तो सबसे पहले इसका हम लोग करते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन, है ना, ये डिफ्रीजन फ्रीजिंग पॉइंट है क्या पहले इसका इंट्रोडक्शन किया जाए। तो इसका इंट्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले अपने को जानना पड़ेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट आप 9-10 में पढ़े होंगे, देखो जो लिक्विड होता है, ठीक है ना, लिक्विड कन्वर्ट किसमें होता है, देखो लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में, लिक्विड किसमें कन्वर्ट होता है सॉलिड में, बस समझ आई। तो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड आर कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। मतलब हमेशा याद रखो जिस टेम्परेचर पे ये फिनोमिनन होगा, जिस टेम्परेचर पे ये फिनोमिनन होगा उस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट सॉलिडिफिकेशन या लिक्विड स्टार्ट सॉलिडिफाइड इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेफिनेशन आप लिख लेंगे। फिर देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है, डिप्रीजन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रीजन मतलब क्या होता है, डिप्रीजन मतलब होता है डिक्रीज कर जाना। डिप्रीजन मतलब क्या होता है, डिक्रीज कर जाना। कैसे डिक्रीज करेगा, तो ये एग्जाम्पल यहाँ से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है ना, प्योर सॉल्वेंट हमने ले लिया, ये अपने पास प्योर फॉर्म में, ठीक है ना, ये प्योर सॉल्वेंट लिया मैंने। अब मैं एज्यूम कर लूं कि जो प्योर सॉल्वेंट है इसका वेपर प्रेशर पी नॉट है और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो तुम्हारा टी नॉट एफ के बराबर है। तो मान लो हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया और इसका ग्राफ मान लो ये प्योर सॉल्वेंट का ये वाला ग्राफ आ गया और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीजिंग पॉइंट टी नॉट एफ है, ठीक है ना। फिर अब देखो ध्यान से क्या होता है कि फिर जब इसमें हम लोग मान लो, ठीक ना, सोल्यूट या इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखना ध्यान से, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, बस ये वर्ड याद रखो, नॉन वोलाटाइल। हमने क्या मिलाया देखो, इसमें सोल्यूट मिलाया, तो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट जब मिलाओगे आप तो देखो होगा क्या,
ये आपका एक सोल्यूशन बन गया, ठीक ना। ये देखो ध्यान से, ये मान लो तुम्हारा सोल्यूट था, ये तुम्हारा सॉल्वेंट था, और इसके अंदर मान लो सोल्यूट भी आ गया, तो सोल्यूट को मैं दूसरे पेन से ब्लू मार्कर से बना दे रहा हूँ। इसके अंदर देखो सोल्यूट आ गया, तो अब देखो ये क्या बन गया, सोल्यूशन। अब ये प्योर सॉल्वेंट से ये देखो क्या बन गया, तुम्हारा सोल्यूशन बन गया। अब इस सोल्यूशन की हम लोग बात करें, तो सोल्यूशन में मान लेते हैं वेपर प्रेशर किसके बराबर है, तुम्हारा पीएस के बराबर है, और जो डिफ्यूजन फ्रीजिंग पॉइंट है ये देखो किसके बराबर है, देखो टीएफ के बराबर है। बात क्लियर हो गई होगी। तो हुआ क्या, देखो ध्यान से, प्योर सॉल्वेंट टी नॉट एफ और सोल्यूशन का क्या हो गया, टीएफ के बराबर। अब ये सॉलिड और लिक्विड में क्या है, देखो इक्विलिब्रियम है। अब अच्छे से ये देखो इक्विलिब्रियम हमेशा रहता है, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम इसलिए हमेशा दिखा रखता हूं मैं। तो होगा क्या, देखो जब तुम्हारा जो है सॉल्वेंट में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की ऐड किया, तो होता क्या है, देखो वेपर प्रेशर इधर से घटा, ये देखो वेपर प्रेशर यहाँ आ गया। अब वेपर प्रेशर इधर घट के पीएस हो गया, जिसको मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो मान लो देखो किसके बराबर है, तुम्हारा टी एफ के बराबर है। और ये रीजन जो रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये वाला जो रीजन है, यही वो रीजन है जिसमें सॉलिड और लिक्विड क्या है, तुम्हारे इक्विलिब्रियम में है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो ग्राफ है प्लॉट, ये किसका हो गया, तुम्हारा सॉलिड का। अच्छे से याद रखते रहिएगा। तो अब देखो वेपर प्रेशर क्या हो गया, घट गया। अब वेपर प्रेशर जैसे ही घट गया, तो अब हमें अच्छे से डिफ्यूजन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब समझ में आ गया होगा। पहले फ्रीजिंग पॉइंट था देखो कितना टीएफ, और जब मैंने इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर देखा तो अपने को देखो क्या मिल गया, टी एफ, और इनिशियल देखो इसका कितना था, टी नॉट एफ। तो पहले फ्रीजिंग पॉइंट टी नॉट एफ था, और बाद में क्या हो गया, टी एफ बड़ा कौन है, देखो टी नॉट एफ छोटा कौन है, टी एफ। तो फ्रीजिंग पॉइंट पहले टी नॉट एफ था, घट के हो गया टी एफ। तो यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कैसे लिखते हैं इसको, डेल्टा टी एफ से। कैसे लिखेंगे, डेल्टा टी एफ से। अच्छे से आप इसको याद रखते रहिएगा। तो यानी अगर मैं डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलूं डेल्टा टी एफ, तो इक्वल टू देखो क्या हो गया, इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, बोलो, इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट था तुम्हारा टी नॉट एफ। इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, टी नॉट एफ माइनस देखो ये क्या हो गया, टी एफ। इसी चीज के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो ये है इसका ग्राफ, और ये है इसका, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट जो है आपका, फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, या न्यूमेरिकल के बेसिस पे कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या इसका कॉन्सेप्ट। आपके पास प्योर सॉल्वेंट होना चाहिए, प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी मिलाएंगे हम लोग, या सॉल्यूट मिलाएंगे। वेपर प्रेशर पीएस हो गया, इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट था टी नॉट एफ यहाँ पे था, और अब देखो ध्यान से इंप्योरिटी मिली, तो वेपर प्रेशर घट के हो गया तुम्हारा पीएस, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, टी एफ। पहले बड़ा कौन है, देखो जरा ध्यान से, यहाँ से याद रखिए, यहाँ पास देखेंगे आप तो ये क्या है, टी नॉट एफ की वैल्यू टी एफ से देखो बड़ा है, तो मतलब पहले से क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। इसी डिक्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। अब देखो एक्सपेरिमेंटली ये मेजर किया गया कि जो डेल्टा टी एफ है ये किस चीज, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसका पीडीएफ जो है आपको हैंड रिटन नोट्स लिंक में रहेगा, तो वहां से आप कॉपी कर लीजिएगा। फिर देखो इसका फॉर्मूला भी हम लोग अच्छे से डिराइव कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि आपका जो डेल्टा टी एफ है, ठीक है ना, यानी मैं ऐसे सीधा सीधा फॉर्मूला से उसमें लिखा था एलिवेशन में, तो वैसे यहाँ भी मैं लिखता हूँ एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटली क्या है कि ये जो आपका डेल्टा टी एफ जो डिराइव किया गया, तो जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया उसको देखा जाए कि डेल्टा टी एफ किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो वैसे कहानी जो डेल्टा टी एफ है ये प्रैक्टिकली देखा गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक ना, सिंपल सा मोलरिटी। इस पर डिपेंड करता है ये मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, अच्छे से याद रखते रहना, स्मॉल एम रिप्रेजेंट मोलरिटी। अब देखो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, और जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा के एफ, ठीक है ना, और इनटू क्या हो गया एम। अब देखना ध्यान से, के एफ क्या है, मोलर, अब ये मोलर लिख रहा हूं मैं, तो के एफ इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूंगा तो के एफ क्या है, देखो मोलर डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक ना, मोलर डिफ्यूजन इन कौन सा बोलो, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक ना। तो के एफ क्या है, मोलर डिफ्यूजन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, इसी को हम लोग बोला करते हैं और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है ना।
तो ये है तुम्हारा, इसको अच्छे से याद रखते रहना। जैसे मैंने देखो आपको याद हो के भी बताया था आपको, उसको क्या बोलते हैं इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और के को क्या बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अभी सब धीरे धीरे आपको आएगा। अब देखो जरा ध्यान से, के एफ को अगर मुझे कैलकुलेट करना है, पहले यूनिट अगर देखी जाए तो अगर मैं यूनिट के एफ की देखूंगा तो आप देखो डेल्टा टी एफ यानी जो भी टेम्परेचर का यूनिट रहेगा, जो भी टेम्परेचर का यूनिट रहेगा ठीक है ना, उसको क्या करेंगे मोलरिटी से डिवाइड कर देंगे ठीक है ना। जो भी डेल्टा टी एफ रहेगा, आप देखो जरा ध्यान से, डेल्टा टी एफ की बात मैं करूंगा तो डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मोल, या देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा केल्विन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मोल। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले मैं बना सकता हूँ, लेकिन उससे पहले पहले एक चीज और देख लीजिए। अगर मैं तुमसे पूछूं एक्सपेरिमेंटल फार्मूले से आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन को, तो आपका आंसर आएगा कि भाई एक्सपेरिमेंट से कैसे हम लोग निकालेंगे है ना, हर जगह एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तो तुम्हें अच्छे से पता है कुछ टाइम पे हमें थ्योरेटिकल वैल्यू का काम करना पड़ता है। तो आपको अच्छे से पता है डेल्टा टी एफ का अगर मैं एग्जैक्ट फार्मूला बोलूं, या जो मैं जो है थ्योरेटिकल के लिए न्यूमेरिकल लगाने के लिए फार्मूला बोलूं, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा के एफ इंटू क्या हो जाएगा एम, और इंटू क्या हो जाएगा वन हाफ फैक्टर। तो न्यूमेरिकल के लिए हमें ये वाला फार्मूला यूज करना है, अच्छे से आप याद रखते रहिएगा। डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो गया के एफ इंटू एम इंटू आई। ये है आपका जो है डिफ्रिजन इन फ्रिजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट ठीक है ना। इसके और सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं कि इसको और कैसे कैसे हम लोग बनाएं, तो ध्यान में आपको और अच्छी अच्छी चीजें आ जाएंगी। जैसे तुमसे पूछता है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यूजिंग डिफ्रिजन इन फ्रिजिंग पॉइंट है ना, यूजिंग डिफ्रिजन इन फ्रिजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, कुछ भी ऐसे करके आपसे पूछा करता है, तो डरने की एकदम जरूरत नहीं है। जो पूछेगा हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, उससे कोई फर्क अपने को नहीं पड़ने वाला है ठीक है ना। तो कैसे कैसे करेंगे जरा ध्यान से इसी को इक्वेट करता हूं मैं। तो देखना ध्यान से, डेल्टा टी एफ इक्वल टू देखो क्या हो गया के वी। अब मैं एम जो है इसको मोलरिटी लिख ही दिया जाए, ये देखो क्या हो गया मोल सॉल्यूट डिवाइडेड बाय देखो क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, जो भी रहेगा मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास है किलोग्राम में ठीक है, इनटू देखो क्या हो गया वन हाफ फैक्टर। क्योंकि मुझे ऑब्जर्वेशन से कोई काम नहीं मिलने वाला, मुझे जो है थ्योरेटिकल से ही काम मिलेगा, इसे अच्छे से याद रखते रहना। तो ये देखो अब इसके बाद हम यहाँ आते हैं, तो ये हो गया मोल सॉल्यूट मास सॉल्वेंट इनटू वन हाफ फैक्टर आई ठीक है ना। तो ये है आपका, अब मुझे इसी को यूज करके कुछ और कैलकुलेट करना है कि एफ आई के वी लिख दिया हूं मैं, ये क्या हो गया देखो के एफ, तो डेल्टा टी एफ का ठीक है ना, ये देखो एक फार्मूला ये हो गया। अब देखना मान लो तुमसे पूछे कि आप जरा मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट बताइए ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे आपसे पूछे कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट तुम्हें बताना है यूजिंग ऐसे लिख रहा हूं मैं यूजिंग डेल्टा टी एफ यूजिंग डिफ्रिजन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, ये क्वेश्चन आ जाए या यूजिंग के एफ आ जाए, तो डरने की एकदम जरूरत नहीं है। कैसे सॉल्व कर देता हूँ देखो जरा ध्यान से, भाई डेल्टा टी एफ की हम लोग जब बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा देखो के एफ। अब मोल सॉल्यूट क्या होता है याद करो, तो मोल सॉल्यूट होता है वेट सॉल्यूट डिवाइडेड बाय बोलो क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और पूरे का डिवीजन ठीक है ना, पूरे का डिवीजन देखो क्या होता है पूरे का डिवीजन हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट ठीक है ना, और मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी किसमें है किलोग्राम में, और इनटू देखो ध्यान से क्या है वन हाफ फैक्टर। तो और इसको सॉल्व किया जाए तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू देखो क्या हो गया ठीक है ना के एफ इनटू, अब देखो वेट ऑफ सॉल्यूट ठीक है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट तो नॉमिनेटर में हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट ठीक है ना, इनटू क्या हो गया देखो वन हाफ फैक्टर, और पूरे का डिवीजन अगर ध्यान से देखो तो पूरे का डिवीजन क्या हो गया, पूरे का डिवीजन हो गया तुम्हारा देखो, तो वो क्या हो गया देखो मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट, यानी ये हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू, ये देखो ध्यान से क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी सॉल्वेंट का वेट किसमें है देखो किलोग्राम में, बात क्लियर हुई। अब हमें देखो ये टर्म बताना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, तो इसको थोड़ा और इक्वेट कर दिया जाए ठीक है ना। तो अब देखो ये क्या हो गया डेल्टा टी एफ इनटू ये क्या हो जाएगा देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट
ठीक है ना, इक्वल टू देखो ध्यान से, ठीक इनटू, बल्कि अभी एक टर्म और है, इनटू क्या हो गया देखो, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, और सॉल्वेंट का वेट किसमें, किलोग्राम में, इक्वल टू देखो क्या हो गया तुम्हारा के एफ, है ना, इनटू क्या हो गया देखो वेट ऑफ सोल्यूट, जो भी सोल्यूट का वेट रहेगा, और इनटू वन था फैक्टर। तो यहां से मुझे क्या बताना है, मॉलिक्युलर वेट ऑफ सोल्यूट मुझे बताना है। तो मॉलिक्युलर वेट सोल्यूट अगर मैं सॉल्व कर लूं तो अब अपने को फॉर्मूला मिल गया देखो के एफ इंटू क्या हो गया देखो वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट इंटू वन था फैक्टर, और पूरे का डिवीजन अच्छे से याद रखे रहिएगा, है ना, ये क्वेश्चन आपसे स्कूल एग्जाम में भी आता है। तो ये हो गया, अब डिवाइड किससे कर देंगे देखो, मॉलिक्युलर वेट ऑफ सोल्यूट से और वेट ऑफ सॉल्वेंट से, ठीक है। मॉलिक्युलर वेट तो मुझे बताना है, तो किससे डिवाइड कर दूंगा मैं देखो डेल्टा टी एफ, और इंटू क्या हो गया देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का वेट किसमें हो गया देखो किलोग्राम में। तो आई होप ये फार्मूला भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है ना। तो मैंने सिर्फ क्या किया है, मोलैरिटी को मोल से रिप्लेस करके बाकी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर दिया, और मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। तो ये है आपका डिफ्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। अब डिफ्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए कुछ चीजें और है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, तो और अच्छे से न्यूमेरिकल इसका हम लोग करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब जो के एफ है, जैसे वहां देखो के बी निकाला था, के बी यूनिट बताई थी, वैसे यहाँ थोड़ा के एफ भाई साहब भी है, तो के एफ को भी देख लिया जाए कि के एफ को कैसे कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से, पहली चीज हम लोग देखते हैं भाई के एफ जो होता है, के एफ का एक फार्मूला हो याद करो, हम लोग क्या पढ़ते थे आर, ठीक है ना, और टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, क्या पढ़ते थे वहां के बी में, थाउजेंड इंटू एल बी पढ़ते थे, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वहां पढ़ते थे। अब यहाँ वेपोराइजेशन तो हो नहीं रहा, यहाँ क्या हो रहा है फ्यूजन वाला, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा थाउजेंड इंटू क्या हो जाएगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी एल एफ, ठीक है ना, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी एल, और ये सफिक्स में क्या हो जाएगा एफ के बराबर, ठीक है ना। अब इसको मान लो मैं इनथैल्पी ऑफ फ्यूजन से रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा देखो आर टी स्क्वायर, इसके मोलर मास से डिवाइड कर दूंगा मैं, थाउजेंड इंटू क्या हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ क्या हो जाएगा देखो फ्यूजन, यहाँ पे हो जाए वहां पे वेपोराइजेशन था, यहाँ पे फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है आपका इसको और तरीके से सॉल्व करने का तरीका, और यहाँ लिख दिया जाए वेयर, ठीक है ना, क्या क्या है वेयर आर, वो सब जानते हैं आप, जो टी नॉट है ये लिख दे रहा हूं मैं, तो टी नॉट क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, अच्छे से याद रखते रहना, टी नॉट क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब तुमने इसमें कुछ नहीं मिलाया था, टी नॉट क्या है तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और एल एफ आप जानते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और डेल्टा एच है ना, ये क्या है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये क्या है तुम्हारा देखो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके देखो जो है न्यूमेरिकल भी अपने को करने हैं, तो न्यूमेरिकल के लिए जो फार्मूला यूज होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना, और कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यूजिंग वन टा फैक्टर ये भी आपसे पूछा करता है, तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल कर दिया जाए जल्दी से, ठीक है ना, जैसे मैं तुमसे बोलूंगी वाटर के लिए क्वेश्चन आ जाए कि जो है के एफ ऑफ वाटर कितना होगा, के एफ ऑफ वाटर कितना होगा ये बताइए। तो अब देखना ध्यान से, सब कुछ वाटर के लिए तो फिक्स ही होता है, यानी अगर मैं वाटर की बात करूंगा के एफ की वैल्यू, तो R, ठीक ना, R की वैल्यू मान लो कैलोरी वाला ले लिया जाए ज्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी जल्दी आंसर आ जाएगा। तो आपको पता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाटर के लिए कितना होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, अगर याद हो 9th में पढ़े रहे होंगे और 11th में मैंने बताया था, याद करिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ H2O ये कितना होता है देखो 80 कैलोरी पर ग्राम, कितना होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है ना। और आपको अच्छे से पता है टी नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, टी नॉट क्या है देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O, और कितना होता है आप याद करो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कितना हो गया देखो 273 केल्विन, ठीक है ना। और आर इस वाले फार्मूले में हमें आर चाहिए, तो देखो एल एफ जो कैलोरी में है, तो आर की वैल्यू 2 कैलोरी पर जो है केल्विन ले लूंगा मैं, ठीक है ना, और बाकी तो सब सब कुछ पता चल गया। तो यानी अगर मैं के एफ का फार्मूला निकालूंगा
तो r इंटू टी नॉट का स्क्वायर, तो टी नॉट कितना है देखो 273 का होल स्क्वायर, और पूरे का डिवीजन देखो क्या करना है अपने को 1000 है ना, और इंटू क्या कर देना है LF, LF की वैल्यू देखो कितनी है तुम्हारे पास 80 कैलोरी, और इसको जब सॉल्व कर लोगे तो ये वैल्यू भी याद रखते रहना है न्यूमेरिकल में 1.86 कितना होता है 1.86 वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो कांस्टेंट होता है वो कितना होता है 1.86 है ना, केल्विन किलोग्राम यूनिट भी याद रखते रहना, केल्विन किलोग्राम मोल की पावर -1 ठीक है। और यूनिट कैसे लिखेंगे तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जो आप यूनिट भी बड़े अच्छे से समझ गए होंगे, यहीं से लिख लो केएफ की जगह लिखनी है, तो अगर मुझे केएफ लिखना मैं थोड़ी देर पहले बोला था टेम्परेचर केल्विन में हो, और ये देखो ध्यान से एम क्या है तुम्हारा ये मोलल है, अब मोलल क्या होता है याद करिए मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और जो है ये मोलल के याद करो मोलल क्या था तुम्हारा मोल था तुम्हारा किसका सॉल्यूट का, और डिवाइडेड बाय क्या था मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, उल्टा कर दीजिए मोल नीचे रह जाएगा किलोग्राम ऊपर भाग जाएगा, आपको ये यूनिट की अच्छे से समझ में आ गई होगी ठीक है ना। तो ये है आपका डिफ्यूजन एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ठीक है ना। तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसके न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, जैसे देखो न्यूमेरिकल का एक पार्ट इसमें ऐसे बनेगा कि आपसे पूछेगा कि बताइए जरा, जैसे मान लो कि आप गाड़ी यहाँ चला रहे हैं ठीक ना इंडिया में ठीक है ना, तो यहाँ जो है ठंडी गर्मी और बारिश सब कुछ हो रहता है, अभी मान लो किसी ऐसे आप कंट्री में चले जाओ जहाँ सिर्फ जो है ठंडी पड़ती है वहां गर्मी पड़ती नहीं, तो आप देखिए जो पेट्रोल यहाँ यूज होता है क्या वो पेट्रोल वहां यूज हो पाएगा क्या, तो वहां वो वाला पेट्रोल यूज नहीं कर पाएंगे आप ठीक है ना, वहां पे क्या नहीं तो होगा क्या कि वहां टेम्परेचर कम है, पता चला कि इंजन में जो पेट्रोल है वो कंडेंस हो गया, और कंडेंस होकर अगर सॉलिड बन गया ठीक है ना, तो क्या गाड़ी चल पाएगी क्या नहीं चल पाएगी, तो ये सब टाइप के भी न्यूमेरिकल अपने से पूछा करता है। तो इसके अगले पार्ट में फ्रीजिंग पॉइंट का हम लोग और सारा न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, तब और अच्छे से आपको समझ में चीजें आएंगी। तो देखो हमने दो न्यूमेरिकल लिख रखे हैं और दोनों अपने आप में बड़े अच्छे न्यूमेरिकल हैं ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेके और वीडियो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करिए और बाकी मैं सॉल्व करता ही हूँ जानते ही हैं आप ठीक है ना। मेन है कि देखो अब चैप्टर ये खत्म होने वाला है, आप सॉल्व करते रहिए, चैप्टर ये खत्म होने वाला है और अब इसके नोट्स भी आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, जो लोग नहीं कंप्लीट किए हैं वो प्लीज कंप्लीट कर लो, और सारे वीडियो जो है आप अगर देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखे हैं तो सीरियल वाइज प्लेलिस्ट में जाके आप अच्छे से सारे वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अब बस आज हो गया फ्रीजिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल, कुछ चीजें और बचेंगी जो अगले 2-3 क्लास में मैं फिनिश कर दूंगा और अच्छे से चैप्टर को रिवाइज भी करा दूंगा, तो फिर आपको अच्छे से पता है कि न्यूमेरिकल के बगैर ये चैप्टर अधूरा है ठीक है ना। तो एनसीईआरटी आप सॉल्व करते रहिए, एक दिन में एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज इन टेक्स्ट और एग्जाम्पलर सॉल्व करा देंगे, और अगले दिन आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और मैं करा दूंगा ठीक है ना, तो आपको बहुत अच्छा ग्रिप इस चैप्टर में आ जाएगा। तो मतलब ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि सॉलिड स्टेट आपको पता है वो 12th के सिलेबस से हटके 11th के साथ में चला गया, तो फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज अगर जो है बढ़ाना पड़ेगा भाई मार्किंग में, क्योंकि 4 से 6 नंबर की आती थी सॉलिड स्टेट, तो वो 4 से 6 नंबर को मैनेज करना है, तो सोल्यूशन काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सरफेस केमिस्ट्री ये 4 फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट है, इन्हीं के नंबर वो बढ़ा देगा, इसलिए अच्छे से इसको पढ़ते रहिए ठीक है ना, ताकि आपको काम में बड़ा अच्छे से ये चैप्टर जो है काम में आएगा, इससे क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, क्वेश्चन से बहुत आसान आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन था, फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज और जो है आपका जो है 90 ग्राम वाटर सॉल्यूशन में केएफ दे रखा था ठीक है ना। तो जिसका आंसर आ गया हो बहुत अच्छी बात है, इसमें जो आंसर आया है याद कर देख लेता हूँ मैं, केएफ इक्वल टू यानी जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन आया है वो आया है -2.6 डिग्री सेल्सियस ठीक है ना, ये है तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, अच्छे से याद रखे रहिएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है -2.6 डिग्री सेल्सियस, जिसका मैच हो बहुत अच्छी बात है ठीक है, चॉकलेट करके खा लीजिएगा ठीक है, जिसका नहीं मैच है ना देखो क्यों नहीं मैच हुआ जिसको यहाँ से सीख लीजिए अच्छे से। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताना है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताना है, कब बताना है, 18 ग्राम है तुम्हारे पास ग्लूकोज, 18 ग्राम क्या है ग्लूकोज डिसॉल्व हो रहा है, देखो 18 ग्राम ग्लूकोज जो है ये डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व इन आप देखो जरा ध्यान से 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90
फॉर्म होता है। तो अब देखना ध्यान से, जो 19 ग्राम वाटर है ठीक ना, ये वाटर का कंटेनर था मान लो ऐसे, तो ये क्या हो गया देखो सॉल्वेंट, ये क्या हो गया सॉल्वेंट, और ये देखो ग्लूकोज इसमें डिजोल्व हो रहा है, तो ग्लूकोज क्या हो गया तुम्हारा सोल्यूट, और ग्लूकोज देखो नॉन वोलाटाइल है, तो सोल्यूट देखो क्या हो गया तुम्हारा नॉन वोलाटाइल, ध्यान से देखते रहिएगा, सोल्यूट क्या हो गया तुम्हारा नॉन वोलाटाइल, ये सॉल्वेंट देखो अभी प्योर फॉर्म में है तो आपको अच्छे से पता है ठीक है ना, प्योर फॉर्म में है तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है यानी टी नॉट एफ, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, बात समझ में आई। आप देखो जब इसमें आपने इसको डिसॉल्व कर दिया तो तुम्हें अच्छे से पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा ठीक है ना, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा, तो डिक्रीज करने के बाद जो डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट आता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है देखो के एफ इंटू क्या होता है एम इंटू क्या होता है वन हाफ फैक्टर। आई होप यहां तक तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो ध्यान से डेल्टा टी एफ क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, डेल्टा टी एफ क्या था देखो टी नॉट एफ और माइनस टी एफ, यही टी एफ आप अगर ध्यान से दिए होते तो यही क्या था तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन था, यही टी एफ क्या था तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू देखो ध्यान से, अब डेल्टा जो तुम्हारा टी नॉट एफ है तो टी नॉट एफ की वैल्यू तो फिक्स हो गई, कितना है तुम्हारे पास देखो 0 डिग्री सेल्सियस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग जरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ये अपने को बताना है। अब ये कैसे बताएंगे ये देखो जरा ध्यान से, यहाँ से केएफ की वैल्यू देखो क्या है 1.86, यहाँ देखो डिग्री सेल्सियस था इसलिए मैंने इसको डिग्री सेल्सियस में रखा, और अगर केल्विन में भी होता तब भी आप चाहे डिग्री सेल्सियस में रखते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों क्योंकि 273 यहाँ जुड़ता 273 यहाँ जुड़ता दोनों आपस में घट के कैंसिल ही हो जाता 1.86। अब बात बस गई मोलरिटी, तो मोलरिटी क्या होती है मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी मोल किसका देखो ग्लूकोज का, मोल किसका देखो ग्लूकोज का डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना ध्यान में रखे रहिएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट अगर देखो ध्यान से तो सॉल्वेंट तुम्हारे पास कंटेनर जो दे रखा है उसमें क्या है देखो वाटर ही दे रखा है। अब ये अगर देखो ध्यान से ये जो है जो गिवन है वो किसमें है ग्राम में, तो ग्राम में गिवन था तो क्या करते थे 1000 से मल्टीप्लिकेशन, और वन हाफ फैक्टर आई ग्लूकोज का आपको पता है कितना हो जाएगा 1 के बराबर, क्योंकि ग्लूकोज के लिए वन हाफ फैक्टर कितना होता है 1 के बराबर। सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, थोड़ा सा सॉल्व कर दूं मैं, तो देखो 0 माइनस ये क्या हो गया टी एफ है ना, टी नॉट एफ की वैल्यू देखो 0 हो गई, ये टी एफ इक्वल टू देखो क्या हो गया तुम्हारा 1.86 मोल ना मोल ग्लूकोज, तो ग्लूकोज देखो कितना ग्राम है ग्लूकोज है 18 ग्राम, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180 याद हो गया होगा अब तक है ना, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12 ठीक ना, और क्या होता है बोलो O11 C6H12 और कितना होता है उल्टा में C6H12O6 सुक्रोज मैंने लिख दिया था C6H12O6, तो इसका कितना आता है मोलर मास याद ही हो गया आपको 180 हो है ना, पूरे का डिवीजन देखो ध्यान से ये हो गया तुम्हारा इतना। अब यहां देखो मोलर मास ऑफ जो है क्या हो गया तुम्हारा मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो सॉल्वेंट का मास देखो कितना है 90 ग्राम में है, तो ग्राम में इसलिए क्या करता हूं मैं 1000 से मल्टीप्लिकेशन। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 2 जो है ये शायद आ जाएगा 2.06, एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेना क्या आएगा ठीक है ना, ये टीएफ आ जाएगा 2.06 आएगा ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा माइनस टीएफ की वैल्यू इतनी आएगी ठीक है ना 2.06 सही है। तो डेल्टा आवाज से टीएफ पूछ रखता है, टीएफ कितना हो गया माइनस इधर लगा दो तो इतना डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो जाएगा, मैं शायद आंसर थोड़ा सा गलत लिखा था, आप एक बार लेकिन कैलकुलेशन चेक कर लेना जरूर ठीक है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन शायद इधर उधर मिस्टेक हो, तो कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा बातें क्लियर आपको हो जाएंगी ठीक है ना। तो ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम, समझ में आया ठीक है समझ में आया बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग दूसरा प्रॉब्लम करते हैं ठीक है ना, तो दूसरा प्रॉब्लम कैसे करेंगे उसको देख लिया जाए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये ठीक है ना, इसकी थोड़ी देर पहले मैंने इसकी बात की थी कि आपको ये क्वेश्चन में क्या करना था, मैंने बोला था ना कि अगर मान लो तुम्हारे पास पेट्रोल है और पेट्रोल अभी इंडिया वाला पेट्रोल क्या ये जहां बहुत ठंडा जो है कंट्री के वहां पे काम करेगा क्या ये पेट्रोल भाई, इस कंसंट्रेशन वाला तो नहीं काम करेगा या इस इंप्योरिटी वाला तो नहीं काम करेगा ठीक है ना, या इस प्योरिटी वाला भी नहीं काम करेगा क्योंकि यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है ना बस में या मतलब क्या है कि सब कुछ फिक्स करना पड़ता है, और किसी ठंडे प्रदेश में जाएंगे ठंडे देश में जाएंगे तो वहां के पेट्रोल का भी कहानी यही रहेगा कि वहां का पेट्रोल अलग ही क्वालिटी का होगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आते हैं
आपसे पूछ रखा है कि आपके पास मार्केट में दो सब्सटेंस है, एथिलीन ग्लाइकोल और मेथेनॉल, ठीक ना, ध्यान से सुनते रहना। दो सब्सटेंस है कौन कौन सा, एथिलीन ग्लाइकोल और मेथेनॉल। तो मतलब अपने पास देखना ध्यान से, एथिलीन ग्लाइकोल और क्या है तुम्हारे पास, मेथेनॉल, ये दो सब्जेक्ट है तुम्हारे पास सॉल्वेंट है, ठीक है ना, एथिलीन ग्लाइकोल और क्या है तुम्हारे पास, ठीक है ना, मेथेनॉल। अवेलेबल इन मार्केट एट सेम प्राइस, ठीक है ना, तो सेम प्राइस से दोनों मिलते हैं। इधर है तुम्हारा एथिलीन ग्लाइकोल और इधर है तुम्हारा मेथेनॉल। क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़िए, यही से समझ में आएगा। इधर से तुम्हारा इधर देखो क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल है, ये है तुम्हारे पास एथिलीन ग्लाइकोल है, ये एथिलीन ग्लाइकोल। और इधर से देखो इस वाले सॉल्यूशन में क्या है तुम्हारा, मेथेनॉल है, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, इनका प्राइस सेम है, मतलब ये सेम प्राइस में है, तो चाहे ये यूज करो चाहे ये यूज करो, है ना, प्राइस का कोई लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन आपसे पूछ रखा है कौन सा बेटर एंटी फ्रीज है ना, एंटी फ्रीज फॉर प्रिवेंटिंग फ्रीजिंग ऑफ वाटर इन कार रेडिएटर। मतलब इसका समझो, तुमने रेडिएटर सुना होगा कार में, तो कार में जो रेडिएटर होता है उसमें वाटर होता है, ठीक है ना, तो रेडिएटर में जो पानी है, अब हमें क्या करना है, मान लो कि पानी जो यहाँ वाले टेम्परेचर, हमने मान लो यहाँ इंडिया का पानी अपनी गाड़ी में भर देते हैं, वैसे मान लो जो है रेडिएटर में, और वही गाड़ी लेके ऐसे देश से ले जाओ जहाँ टेम्परेचर जो है 60 से कम होता है नहीं, मान लो ऐसा कोई कंट्री है जहाँ 60 से कम टेम्परेचर होता नहीं, ठीक है ना, जो है, या मान लो ऐसे देश में चले जाओ जहाँ टेम्परेचर जो है मतलब 0 से ऊपर आता ही नहीं, तो क्या ये पानी वहां काम पड़ेगा क्या, ये कब पानी कर ही नहीं पाएगा काम। तो हमें देखो वही करना है कि अगर तुम अपनी गाड़ी लेके या जो रेडिएटर में पानी है, जो आपकी कार है जो रेडिएटर में इतना पानी है, उसके लिए बेटर एंटी फ्रीज कौन सा होगा, मतलब ऐसा चीज डाल दो उस पानी के अंदर कि वो जब आप यू जो है दूसरे कंट्री में जाइए कोल्ड कंट्री में, तो जो आपका पानी है अगर फ्रीज हो जाएगा ना, तो गाड़ी जो है ब्लास्ट कर जाएगी, क्योंकि जो इंजन की कूलिंग होती है वो आपका इसी रेडिएटर के थ्रू होता है। तो उस चीज को ब्लॉक करने के लिए कि आपका जो लिक्विड है वो फ्रीज ना हो जाए, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एंटी फ्रीज। क्या यूज करते हैं, एंटी फ्रीज, बहुत अच्छे से याद रखते रहना। तो बेटर एंटी फ्रीज क्या होते हैं ये अगर पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो बेटर एंटी फ्रीज कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे ये अपने को सीख लिया जाए तो काम में अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखना ध्यान से, बेटर एंटी फ्रीज मतलब क्या है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे मान लो अभी 0 डिग्री सेल्सियस जो है फ्रीजिंग पॉइंट है अपना जो है वाटर का इंडिया में, ठीक है ना। अब मान लो ऐसी जगह हम लोग चले जाएं जहां पे टेम्परेचर जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक ना, मान लो कि वहां पे वो माइनस जो है 30 डिग्री सेल्सियस है। तो अब देखो ध्यान से, माइनस 30 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीज जो है वो आपका फ्रीज होगा। तो हम ऐसा कुछ करें कि जो रेडिएटर है ना, रेडिएटर के अंदर जो तुम्हारा, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल और जो मेथेनॉल में ऐसी चीज मिला दो कि -30 होने नहीं दे वो, तो वही जो होता है वही कंपाउंड आपका क्या हो जाता है, बेटर एंटी फ्रीज हो जाता है। तो बेटर एंटी फ्रीज क्या होता है, वो आपका कंपाउंड जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को लार्ज अमाउंट में डिक्रीज कराता है, ठीक ना। अच्छे से ये चीज याद रखते रहना, एक लाइन में यहाँ लिख दे रहा हूं ताकि आपको अब क्लियर हो जाए, तुमसे पूछे कि बेटर एंटी फ्रीज कौन सा होगा, तो बेटर एंटी फ्रीज की जो कंडीशन है वो ध्यान में आप रखते रहना। बेटर एंटी फ्रीज क्या होते हैं, बेटर एंटी फ्रीज होते हैं डिक्रीजेज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, डिक्रीजेज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अच्छे से याद रखते रहना, इन लार्ज अमाउंट, ठीक ना, इन लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट में, ठीक ना, जो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर को डिक्रीज करा देंगे वही क्या हो जाएंगे, बेटर एंटी फ्रीज। बात समझ में आ गई होगी, ठीक ना, मतलब जो सब्सटेंस फ्रीजिंग पॉइंट को ज्यादा डिक्रीज करा देगा वो सब्सटेंस जो है बहुत अच्छा एंटी फ्रीज होगा। अब ये चीज कैसे बताई जाए इसको देखा जाए, तो बहुत अच्छे से तुम जानते हो, सिंस डेल्टा टीएफ है ना इक्वल टू, अगर देखो ध्यान से तो ये क्या होता है, देखो टी नॉट एफ, ठीक ना, टी नॉट एफ माइनस ये क्या था, देखो टीएफ सॉल्यूशन का। अब देखना ध्यान से, हमें क्या करना है, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा टीएफ, डेल्टा टी नॉट एफ, भाई जो भी सब वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को ज्यादा घटा देगा वही तुम्हारा बहुत अच्छा एंटी फ्रीज हो जाएगा। तो इसको कैसे निकाला जाए, भाई कौन सा अच्छा है बेटर एंटी फ्रीज होगा, इसके लिए हम लोग देख लेते हैं। तो सब्सटेंस वो बेटर एंटी फ्रीज होगा, देखो ध्यान से, अगर जो टीएफ की वैल्यू, मतलब टीएफ की वैल्यू, जैसे मान लो वाटर ले लो, जैसे मान लो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर है,
अब मान लो फीलिंग पॉइंट घट के हो गया 2 डिग्री सेल्सियस, फीलिंग पॉइंट घट के हो गया -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो अब देखो ये 0 है ना डिग्री सेल्सियस और माइनस से ये क्या हो गया देखो +2, यानी डेल्टा टी एफ कितना आ गया तुम्हारा 2 डिग्री सेल्सियस, ऐसे समझ लो तुम। या मान लो ऐसा एक केस और ले लिया जाए, 0 डिग्री सेल्सियस था माइनस, मान लो ये घट के -4 डिग्री सेल्सियस हो गया, अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कितना हो गया 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ देखो ध्यान से डेल्टा टी एफ कितना आ गया 2 डिग्री सेल्सियस और यहाँ देखो डेल्टा टी एफ कितना आ गया तुम्हारा 4 डिग्री सेल्सियस। अब तो क्लियर हो गया होगा जिसका डेल्टा टी एफ ज्यादा होता है, जिसका डेल्टा टी एफ ज्यादा होता है वो सब्सटेंस बेटर एंटी फ्रीज होता है। तो एक कंडीशन ये हो गई डिक्रीजेस फ्रीजिंग पॉइंट इज लार्ज अमाउंट, फिर दैट इज करके लिखेंगे दैट इज, ठीक है ना। ऐसे सब्सटेंस हैविंग, जो भी सब्सटेंस है तुम्हारे पास, सब्सटेंस जो भी है, सब्सटेंस है मोर डेल्टा टी एफ, सब्सटेंस है मोर डेल्टा टी एफ मतलब जिसका डेल्टा टी एफ ज्यादा होगा, सब्सटेंस है मोर डेल्टा टी एफ इज, ठीक है ना, क्या होता है बेटर एंटी फ्रीज। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब ये समझने के बाद, ठीक ना, आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बेटर एंटी फ्रीज क्या होते हैं, बेटर एंटी फ्रीज वो सब्सटेंस होता है जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को लार्ज अमाउंट में घटाता है, या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसका टीएफ बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को थोड़ा और कर दिया जाए, तो जब हम क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे तो और देखना, अभी क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट ही कर दिया जाए तो अब देखो ध्यान से, मतलब ये दोनों सॉल्यूशन का डेल्टा टीएफ निकाल लिया जाए तो सारा काम बच जाएगा, ठीक है ना। तो डेल्टा टीएफ का फार्मूला आप अच्छे जानते हैं, डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होता है केएफ इनटू क्या हो जाएगा देखो मोलैरिटी, और इनटू क्या हो जाएगा वन का फैक्टर, ठीक ना। अब देखना ध्यान से, अगर हम लोग केएफ की वैल्यू देखेंगे तो सॉल्वेंट कांस्टेंट है तो यानी ये कांस्टेंट हो गया, वन का फैक्टर देखो दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसको भी हम लोग वन मान लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पता है ऑर्गेनिक के लिए वन मान ही लेते हैं। अब देखना ध्यान से, यानी डेल्टा टीएफ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया देखो मोलैरिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया मोलैरिटी। फिर अब देखो मोलैरिटी को जब मैं और इक्वेट करूंगा तो ये क्या हो गया देखो मोल सॉल्यूट, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा देखो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट का जो मास है, अब देखो मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में दे रखा है देखो पर केजी, तो हम लोग सॉल्वेंट का मास किसमें ले लेते हैं किलोग्राम में। अब देखो ये दोनों एंटी फ्रीज है तो रेडिएटर में ही एक ही रेडिएटर होगा, उसे निकाल के चेक किया जाएगा, तो जो उसके अंदर सॉल्वेंट पहले से ही है यानी उसके अंदर जो वाटर है ये भी क्या हो जाएगा देखो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो सॉल्वेंट का मास भी देखो क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, रेडिएटर को बदला नहीं आपने। तो अब देखना है यहां से मिला के आपको डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां से देखो ये मिल गया तुम्हारे पास मोल सॉल्यूट। अब मोल सॉल्यूट को थोड़ा इक्वेट किया जाए तो अब देखो ध्यान से, ये मोल सॉल्यूट क्या हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, ठीक ना, मॉलिक्यूलर वेट, और वो भी किसका देखो सॉल्यूट का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना ध्यान से वेट ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट आप चाहे जो ले लो दोनों का प्राइस तो सेम ही है भाई, 10 रुपए का ये भी मिलेगा 10 रुपए का वो भी मिलेगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट चाहे जितना 1 किलो ले लो 10 किलो ले लो 5 किलो ले लो, ठीक है ना, दोनों का दाम एक ही पड़ेगा, तो क्या डेल्टा टी एफ वेट पे डिपेंड करेगा क्या, डेल्टा टी एफ भाई हमें मैग्नीट्यूड देखना है ना, तो दोनों के पैसे बराबर है, चाहे 1 किलो ये यूज कर लो चाहे 1 किलो वो यूज कर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें यानी डेल्टा टी एफ की वैल्यू है देखो ये क्या है, इसको जो वेट ऑफ सॉल्यूट है इसको भी हम लोग क्या ले रहे हैं कॉन्स्टेंट, क्योंकि प्राइस क्या है कॉन्स्टेंट भाई, 1 किलो में एथिलीन ग्लाइकोल यूज करूं 1 किलो में मेथेनॉल यूज करूं कोई फर्क पड़ेगा क्या, दोनों तो 1 ही रुपए 10 रुपए किलो मान लो है तो दोनों का दाम फिक्स हो गया। तो यानी दैट इज करके आप देखेंगे कि जो डेल्टा टी एफ है ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आप देखिए अब मिला अपने को मेन कॉन्सेप्ट क्या है तुम्हारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो गया हो तो प्लीज एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन में कौन सा बेटर एंटी फ्रीज है, तो एथिलीन ग्लाइकोल का फार्मूला पता होना चाहिए किसी को, अब तक अगर याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। एथिलीन देखो क्या होता है आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2, ग्लाइकोल मतलब दो एल्कोहल, तो एक बॉन्ड कम कर दीजिए यहाँ पे, एक OH यहाँ लगा दीजिए और एक OH यहाँ लगा दीजिए, तो इसका नाम क्या हो गया एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है ना। और मेथेनॉल तो आप जानते
एल्डिहाइड एल्कोहल यानी CH3OH, ठीक ना। ये है मिथेनॉल और ये है इथिलीन ग्लाइकॉल। तो अब क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। देखो जिसका मॉलिक्युलर वेट ज्यादा होगा, जिसका मॉलिक्युलर वेट ज्यादा होगा उसका डेल्टा टीएफ कम होगा, जिसका मॉलिक्युलर वेट कम होगा उसका डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा, जिसका डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा वो बेटर एंटीफ्रीज होगा। थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, यानी मेन फैक्टर अपने को मिल गया कि दोनों का मॉलिक्युलर वेट, ठीक है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं, जरा ध्यान से बताइए, जरा ध्यान से, सिंस है ना मॉलिक्युलर वेट अगर मैं निकालूं, मॉलिक्युलर वेट ऑफ मिथाइल एल्कोहल, ठीक है ना, और एंड जो है इथाइल एल्कोहल, आप इथिलीन ग्लाइकॉल यानी CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH इथिलीन ग्लाइकॉल, बताइए कौन बड़ा होगा। देखो इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्युलर वेट ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इसमें एक कार्बन, इसमें दो कार्बन पहले से ही देख लो। तो अब देखना ध्यान से, अब मुझे देखना है डेल्टा टीएफ। अब मुझे क्या देखना है, देखना ध्यान से, अब मुझे देखना है डेल्टा टीएफ, ध्यान से देखना। तो डेल्टा टीएफ अब हम लोग देख लेते हैं किसका, मिथाइल एल्कोहल का, और डेल्टा टीएफ हम लोग देख लेते हैं किसका, तो इथिलीन ग्लाइकॉल का CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, खूब अच्छे से देखते हैं ध्यान से। तो जिसका टीएफ बड़ा होगा, भाई ये देखो जिसका मॉलिक्युलर वेट ज्यादा होगा उसका टीएफ कम हो जाएगा। तो मॉलिक्युलर वेट देखो इसका ज्यादा है तो डेल्टा टीएफ किसका ज्यादा हो गया, मिथाइल एल्कोहल का, ठीक है ना। और तुम्हें अच्छे से पता है जिसका डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा वो बेटर एंटी फ्रीज होगा। दैट इज करके ध्यान से देखिए आंसर क्या हो गया, दैट इज मिथाइल एल्कोहल इज बेटर एंटी फ्रीज, मिथाइल एल्कोहल इज बेटर एंटी फ्रीज, ठीक है ना। तो ये है आपका इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, जो आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अभी इसके और सारे न्यूमेरिकल हैं तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में डील करेंगे, तब तक आप यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करके देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।